अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने यह ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर एक ज्ञापन, किसानों की समस्याओं का सरकार निराकरण करे, उसका समाधान करे, इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, भारतीय किसान यूनियन ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो मुलाकात की उसने और अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक रखा, जिसमें जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। तो अपनी मांगों को लेकर के लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है, हालांकि ज्ञापन सौंप करके साफ तौर पर यह संदेशा दिया। तो किसानों की समस्याओं का सरकार आखिर निराकरण कैसे करेगी, बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जब विपक्ष की एकजुटता बातचीत के लिए तैयार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सचिन। जिस तरीके से जो ज्ञापन सौंपा है, वो ज्ञापन में क्या कुछ चीजों का उल्लेख है, क्या कुछ मांगे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। साफ तौर पर आलोक आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन कर रहा है टिकरी बॉर्डर पर और तमाम बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के भी तमाम यूनियन के जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। विगत दिनों में अगर देखें तो आजाद किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन अंबावता, और इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में चक्का जाम करने का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा किया जाना था, लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते उन्हें ये प्रदर्शन नहीं करने दिया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस पे जो तस्वीरें आई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया की गई है। ज्ञापन सौंपा गया है प्रधानमंत्री के नाम, जिलाधिकारी कार्यालय पे डीएम अभिषेक प्रकाश को ज्ञापन सौंपा गया है। खास तौर पर जो मांगे, जो कानून को लेकर जो भी मांगे जो पहले से चली आ रही थी, उन्हीं मांगों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन ने आज ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्दी जल्दी काले कानून, जिसको भी ये जो कृषि कानून है उसको काला कानून बताया है, और बताया है कि जो एमएसपी की दर है उसको कहीं ना कहीं उसके लिए कानून बनाना चाहिए, और जो भी जो जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको खत्म करना चाहिए। और यही सब मुद्दे थे जिसको लेकर कि आज ज्ञापन सौंपा है, और मांग की कि अगर उनके आने वाले समय में अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस जानकारी के लिए। तो सचिन हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल अब अगला कदम किस तरीके का हो सकता है किसानों का। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।